हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और आप सब की स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सब की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और इस प्रैक्टिस सेट से, सॉरी सॉल्व पेपर से, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस भी मैं इससे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और भी उससे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शेयर कर चुकी हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ मैंने एक चलाई थी, तो आप सबका क्वेश्चन रहता है कि इसके बारे में ज़्यादा बताइए, इसका कवर पेज दिखाइए कि ये कौन सी बुक है। फ्रेंड्स, ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक है और 2022-23 इंग्लिश चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर्स। और ये सब यहाँ पर दिया गया है जिस जिस एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल है। और ये यूज़फुल है TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, GDC, डाइट असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSSB, KVS, NVS, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, सॉरी आर्मी वेलफेयर, RPSC स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, NTA, UGC नेट, GRF सेट। और इसमें 113 सेट्स दिए गए हैं, 113 चैप्टर दिए गए हैं एक तरीके से कह सकते हैं। और चैप्टर वाइज सभी सॉल्व पेपर्स जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं सभी इसमें दिए गए हैं। और 10,455 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें हैं फ्रेंड्स। और आंसर्स विद डिटेल एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन रिवाइज आंसर की, जो आंसर्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई हैं, वो रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग दी गई हैं। मींस कोई भी एग्ज़ाम होता है और अगर उसमें किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक रहती है और कोई क्वेश्चन उसका चेंज होता है, तो चेंज होने के बाद जो उसका आंसर रहता है वही इसमें दिया गया है फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए, यही वो बुक है और इसका मैं कंटेंट भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से दिया गया है। और ये सभी जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए आता है। ये इंग्लिश के लिए है, आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उसके लिए भी अवेलेबल है फ्रेंड्स। बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए ये अवेलेबल है। ये देखेंगे, यहाँ पर डिटेल दी गई है कौन कौन इनके राइटर्स हैं, एडिटर्स कौन है, चीफ एडिटर कौन है। ये तो एक नॉर्मल होता है। और यहाँ पर सिलेबस दिया गया है TGT और PGT का, इसको आप देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये इसका कंटेंट है फ्रेंड्स। ये राइटर्स, एक एक राइटर के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। TGT PGT के जो भी राइटर्स हैं, यहाँ पर ग्रामर के भी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखिए। और ये विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ वीडियोस को पार्ट्स में बनाकर, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन, जैसे भी होता है। और इसके बाद इनमें एक चीज़ और है, कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में भी दिए गए हैं फ्रेंड्स। वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, सभी एक जगह कलेक्ट किए हुए हैं। वो इस तरीके से हैं एग्ज़ाम पॉइंट्स करके। तो जो वन लाइनर्स हैं वो भी बहुत यूज़फुल हैं, भले ही वो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए नहीं हैं लेकिन वो अगले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए ये पॉइंट्स भी पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, सॉल्व पेपर के साथ साथ हमें ये पॉइंट्स भी पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया विलियम शेक्सपियर का, बाकी सबका भी ऐसे ही है। अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे ये है लिटरेरी फॉर्म एंड टर्म्स का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, ये उसके क्वेश्चंस हैं। सॉरी, ये उसकी डिटेल दी गई है, कुछ फॉर्म्स यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है इन्होंने। तो एक्सप्लेन करने के बाद फिर वहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये देखिए, कुछ लिटरेरी टर्म्स इसमें भी दी हुई हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए, कुछ मैंने इनमें से पढ़ ली हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं। और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं लिटरेरी फॉर्म्स के, क्वेश्चंस देखना कितनी बार रिपीट होती है, एक एक लिटरेरी फॉर्म कितनी बार रिपीट होती है आप देख सकते हैं। आप सब लोग पूछते हैं कि सॉल्व पेपर को करने का क्या फ़ायदा, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, भले ही पूछने का तरीका बदल जाता है लेकिन क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हो सकता है किसी और तरीके से पूछ लिया जाए लेकिन टर्म यही रहेगी। आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये जो टर्म है ये 8 बार पूछी जा चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं पूछी जाएगी, आगे भी पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये भी कितनी बार पूछी जा चुकी है। और सभी टर्म्स ऐसी ही हैं मोस्टली। ये देखिए,
एक एक टर्म कितनी बार पूछी जा चुकी है और इनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी हुई है। ये लिटरेरी टर्म्स का चैप्टर है। अभी इसको मैंने किया नहीं है क्योंकि मैं अभी बुक से ही पढ़ रही हूँ। एस के अरोरा जो बुक है मेरे पास, मैं उसी से लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं इनको भी करूँगी, और जब मैं इनको करूँगी तब मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए UPTGT 2021 के क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स के। अभी मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कि UPTGT और PGT दोनों में कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन UPPGT में आए हैं 2021 में लिटरेरी टर्म्स से, और TGT में आए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब आप देख सकते हैं कि लिटरेरी टर्म्स से UPTGT 2021 में 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है हमारे लिए लिटरेरी टर्म्स। तो लिटरेरी टर्म्स पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लिटरेरी टर्म्स जहाँ से भी पढ़ रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से और डीपली पढ़ना फ्रेंड्स। और ये बाकी एग्जाम्स में दिया हुआ है, DSSSB में भी बहुत जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो पूछी जाती हैं फ्रेंड्स, TGT में भी और PGT में भी। तो ये लिटरेरी टर्म्स का हो गया चैप्टर। और दूसरा आपको दिखाती हूँ, ये फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए है। ये देखिए ये फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए है, और पहले इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, कुछ जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स दिए गए हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर आगे दिए गए हैं इनके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस। और ये देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच में से UPPGT में पूछे गए हैं 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस UPPGT में पूछे गए हैं, और TGT के बताती हूँ अभी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस ही TGT में पूछे गए हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच से तो 4-4 क्वेश्चन दोनों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, PGT और TGT में भी, लेकिन लिटरेरी टर्म्स को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो लिटरेरी टर्म्स को अच्छे से आप पढ़ लेंगे। उसके बाद देखते हैं जो वोकैब का पोर्शन है फ्रेंड्स। वोकैब में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें से किए थे, और अभी आप लोगों को बताती हूँ, ये मैंने आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत पूछे जाते हैं और इनमें हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर 94 क्वेश्चंस हैं टोटली। उसके बाद idioms एंड phrases का चैप्टर है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है फ्रेंड्स। तो मेन पर्पस तो बस यही है कि यूथ पब्लिकेशन की बुक आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसको मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी जब भी मैं इसकी वीडियो डालती हूँ तभी मुझे फिर से एक क्वेश्चन आता है, ये बुक कौन सी है, ये कौन सा सॉल्ट पेपर है, ये बुक दिखाइए, इसका कवर पेज दिखाइए, इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स ये डिटेल वीडियो है यूथ पब्लिकेशन की बुक के बारे में। आई होप अब आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उनके आंसर मिल गए होंगे, और अभी भी अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।